आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन चैप्टर वन नंबर सिस्टम के पार्ट फोर में रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन पार्ट थ्री में आपने रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन पढ़ा था और इसकी हमने एक्सरसाइज देखी थी वन पॉइंट थ्री आज एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर करेंगे और स्टार्ट करेंगे टॉपिक रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट एनी रियल नंबर हैज़ अ डेसिमल एक्सपांशन तो आप अभी प्रीवियस सेक्शन में आप देख चुके हैं कि किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है दिस हेल्प अस टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन तो ये डेसिमल एक्सपांशन हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है तो सपोज 2.665 ये एक नंबर है रियल नंबर जिसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर जो नंबर दिया है टू ये नंबर टू के बाद आएगा और थ्री के पहले तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लासेस से हम चेक करेंगे यहाँ पे टू और थ्री के बीच की यूनिट्स हम चेक करेंगे टू और थ्री को हम सबसे पहले टेन पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये टू और थ्री के बीच में आया तो यहाँ पर टू और थ्री लिखा इसको हमने टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो फर्स्ट पार्ट होगा टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फाइव इस तरह से टू पॉइंट नाइन तक जाएगा अब यहाँ पर है टू पॉइंट सिक्स तो टू पॉइंट सिक्स यहाँ पर है तो जो नेक्स्ट नंबर लाइन में जो 2.66 आएगा वो कहाँ पर आएगा 2.6 के बाद आएगा और 2.7 के पहले आएगा तो हम फिर 2.6 और 2.7 ये वाला हम पोर्शन लेंगे यहाँ पर देखिए 2.6 और 2. सेवन इतना लिया फिर टू पॉइंट सिक्स और टू पॉइंट सेवन को हम टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा टू पॉइंट सिक्स वन टू पॉइंट सिक्स टू उसके बाद टू पॉइंट सिक्स से आगे से काउंट करेंगे टू पॉइंट सिक्स वन से फिर से स्टार्ट हो जाएगा टू पॉइंट सिक्स टू टू पॉइंट सिक्स थ्री टू पॉइंट सिक्स फोर टू पॉइंट सिक्स फाइव और टू पॉइंट सिक्स सिक्स हमको क्या चाहिए था टू पॉइंट सिक्स सिक्स तो टू पॉइंट सिक्स सिक्स यहाँ मिल गया तो अब टू पॉइंट सिक्स सिक्स फाइव जो है वो कहाँ आएगा 2.66 के आगे आएगा और 2.67 के पहले आएगा यानी इन दोनों के बीच में आएगा तो अब इसके आगे 2.66 और 2.67 को इन दोनों को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पर देखिए 2.66 और 2.67 इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया अब 2.66 के आगे फिर से वन से स्टार्ट होगा 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 टू यहाँ पर आया तो जो हमें लोकेट करना था 2.665 पॉइंट वो कहाँ पर लोकेट होगा यहाँ पर वी कॉल दिस प्रोसेस ऑफ विजुलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन थ्रू अ मैग्नीफाइंग glasses एज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव magnification. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव magnification। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइव पॉइंट थ्री सेवन बार सेवन पर बार है थ्री पर नहीं है ऑन द नंबर लाइन अप टू फाइव डेसीमल places. फाइव डेसीमल places का मतलब होता है हमें डेसीमल के बाद कितने डिजिट तक निकालना है फाइव डिजिट तक फाइव पॉइंट थ्री सेवन बार सेवन को हम कितनी बार लिखेंगे फोर टाइम तो डेसिमल के बाद वन टू थ्री फोर फाइव डिजिट्स है तो हमें अप टू फाइव डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसको रिप्रेजेंट करना है फाइव तो सबसे पहले नंबर लाइन में ये जो फाइव से स्टार्ट हुआ है तो फाइव के बाद और सिक्स के पहले आएगा ये नंबर तो सबसे पहले हम फाइव और सिक्स को टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पर देखिए फाइव और सिक्स को टेन इक्वल पार्ट में सबसे पहले डिवाइड किया तो यहाँ पर फाइव के बाद फाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट फोर फाइव पॉइंट फाइव तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है फाइव पॉइंट थ्री दिया है तो यहाँ पर आया फाइव पॉइंट थ्री तो फाइव पॉइंट थ्री सेवन जो है वो फाइव पॉइंट थ्री के बाद आएगा और फाइव पॉइंट फोर के पहले आएगा तो इन दोनों को फिर हम टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे फाइव पॉइंट थ्री को और फाइव पॉइंट फोर को यहाँ फाइव पॉइंट थ्री लिखा फाइव पॉइंट फोर लिखा अब इसको हम क्या करेंगे टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव पॉइंट थ्री वन से स्टार्ट हो जाएगा थ्री वन थ्री टू फाइव पॉइंट थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री तो फाइव पॉइंट थ्री सेवन क्योंकि यहाँ पर क्या है फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 तो फाइव पॉइंट थ्री सेवन मिला हमको तो अगला नंबर फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन 5.37 के बाद और 5.38 के पहले आएगा तो 5.37 और 5.38 को इतने पोर्शन को हम फिर से 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 5.37 और 5.38 को फिर से 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 5.37 पॉइंट थ्री सेवन वन फिर थ्री सेवन टू थ्री सेवन थ्री थ्री सेवन फोर ऐसा थ्री पॉइंट सेवन सेवन हमको मिला तो अगला नंबर थ्री पॉइंट सेवन सेवन एक और बार सेवन हमें इसके बाद मिलेगा और फाइव पॉइंट थ्री सेवन एट के पहले मिलेगा तो थ्री फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन इसको और फाइव पॉइंट थ्री सेवन एट को फिर से हम टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन फिर वन से शुरू होगा सेवन सेवन वन सेवन सेवन टू यहाँ पर पॉइंट थ्री सेवन सेवन थ्री फिर फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन फोर सेवन सेवन फाइव यहाँ पर सेवन सेवन सिक्स और यहाँ पे ट्रिपल सेवन आ गया तो नेक्स्ट नंबर आएगा फाइव पॉइंट सेवन सेवन एट तो एक और बार हमें सेवन चाहिए तो यहाँ पर जो नंबर आएगा फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 अगला नंबर सेवन वो इसके बाद और फाइव पॉइंट थ्री सेवन सेवन एट के पहले आएगा यानी इन दोनों के बीच में आएगा तो इसके आगे नहीं किया है तो फिर से आप ये दोनों पोर्शन को फिर से आप टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा फिर स्टार्ट करेंगे फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 वन ऐसे करके फिर आपको आगे जाके मिलेगा फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 तो हमें इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था अप टू फाइव डेसिमल प्लेसेस मतलब फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 हमें मिल जाएगा नंबर लाइन में इन द लाइट ऑफ डिस्कशन अबव एंड विजुअलाइजेशन वी कैन अगेन से दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन सभी रियल नंबर नंबर लाइन पर यूनिक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं फर्दर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड वन एंड ओनली वन रियल नंबर तो इसके आगे हम ये भी बोल सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन नंबर लाइन में हर एक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन एंड ओनली वन है वो हर एक पॉइंट सिर्फ एक और एक रियल नंबर ही रिप्रेजेंट करता है एक्सरसाइज फोर मैग्निफिकेशन इस नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले देखिए कि थ्री पॉइंट सेवन है तो ये थ्री के बाद आएगा और फोर के पहले आएगा थ्री के बाद आएगा और फोर के पहले इस तरह से तो इन थ्री और फोर को हम टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे आप डायरेक्टली थ्री और फोर से भी स्टार्ट करते हैं ये स्टेप करना जरूरी नहीं है तो यहाँ पर देखिए थ्री और फोर को मैंने टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन और टेन टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट एट थ्री पॉइंट नाइन तो यहाँ पर थ्री पॉइंट सेवन यहां पर है तो थ्री पॉइंट सेवन सिक्स यहाँ तक कहाँ थ्री पॉइंट सेवन के आगे आएगा और थ्री पॉइंट एट के पहले आएगा यानी इन दोनों के बीच में आएगा इन दोनों के बीच में तो अब यहाँ पे हम थ्री पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट सेवन यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे थ्री पॉइंट एट थ्री पॉइंट सेवन और थ्री पॉइंट एट को टेनिकॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सभी वन वन सेंटीमीटर में मैंने डिवाइड किया है अब थ्री पॉइंट सेवन के आगे क्या आएगा थ्री पॉइंट सेवन वन यहां पर थ्री पॉइंट सेवन टू थ्री पॉइंट सेवन थ्री थ्री पॉइंट सेवन फोर थ्री पॉइंट सेवन फाइव थ्री पॉइंट सेवन सिक्स यहाँ मैंने छोड़ दिया है थ्री पॉइंट सेवन सेवन थ्री पॉइंट सेवन एट इस तरह से आप एक एक छोड़कर भी लिख सकते हैं फिर थ्री पॉइंट सेवन नाइन तो यहाँ पर हमें चाहिए थ्री पॉइंट सेवन सिक्स तो थ्री पॉइंट सेवन सिक्स यहाँ पर आया है तो अगला नंबर थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव थ्री पॉइंट सेवन सिक्स के बाद आएगा और यहाँ पे थ्री पॉइंट सेवन सेवन के पहले आएगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव थ्री पॉइंट सेवन सिक्स के बाद आएगा और थ्री पॉइंट सेवन सेवन के पहले आएगा तो नेक्स्ट जो नंबर लाइन हम बनाएंगे वो इन दोनों की बनाएंगे और इसको हम टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक और नंबर लाइन बना दी है थ्री पॉइंट सेवन सिक्स और थ्री पॉइंट सेवन सेवन की थ्री पॉइंट सेवन सिक्स और थ्री पॉइंट सेवन सेवन इसको भी मैंने टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पर क्या जाएगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स के बाद फिर वन से स्टार्ट हो जाएगा फिर थ्री पॉइंट सेवन सिक्स टू फिर यहाँ पे थ्री पॉइंट सेवन सिक्स थ्री मैं एक छोड़ती जा रही हूँ फिर यहाँ पर आएगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फोर फिर यहाँ पर आएगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव आप चाहे तो लिख भी सकते हैं जगह कम है इसलिए मैं छोड़ती जा रही हूँ वैसे भी आप कर सकते हैं फिर आएगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स सिक्स फिर यहाँ पर आएगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स तो यहाँ पर सिक्स सिक्स आएगा यहाँ पर सिक्स सेवन आएगा फिर थ्री पॉइंट सिक्स सेवन एट फिर यहाँ पर क्या आएगा थ्री सेवन सिक्स नाइन तो हमें जो नंबर रिप्रेजेंट करना वो कौन सा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव तो यहां पर हमें मिला थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव तो ये नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया तो यहाँ पर डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स हैं तो इस तरह से थ्री नंबर लाइन पे तो ये थर्ड नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया अब नेक्स्ट है विजुलाइज़ 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस फोर डेसिमल प्लेसेस तक करना है फोर पॉइंट टू सिक्स बार यहाँ टू सिक्स दोनों डिजिट के ऊपर बार है तो टू सिक्स को रिपीट करेंगे फोर पॉइंट टू सिक्स एक और बार टू सिक्स लिखेंगे क्योंकि हमें डेसिमल के बाद फोर प्लेस तक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो फोर पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स लिखेंगे डेसिमल के बाद ये फोर डिजिट्स हो गए तो सबसे पहले ये नंबर फोर के बाद आएगा और फाइव के पहले आएगा पहले हम इतना देखेंगे इतना पोर्शन फोर पॉइंट टू क्या होगा फोर के बाद आएगा नंबर लाइन में और फाइव के पहले आएगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फोर और फाइव को टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस तरह से और फोर यह तो फर्स्ट हो जाएगा फोर पॉइंट वन फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट थ्री यहाँ पर आएगा फोर पॉइंट टू और फोर पॉइंट थ्री फोर पॉइंट फोर इस तरह से तो ये नंबर जो है फोर पॉइंट टू सिक्स आगे वाला नंबर फोर पॉइंट टू तो यहाँ पर है फोर पॉइंट टू सिक्स कहाँ पर आएगा फोर पॉइंट टू के बाद और फोर पॉइंट थ्री के पहले तो फिर हम क्या करेंगे फोर पॉइंट टू और फोर पॉइंट थ्री की नंबर लाइन बनाएंगे फोर पॉइंट टू की और फोर पॉइंट थ्री की बनाएंगे इसकी नंबर लाइन बना के हम क्या करेंगे इसको भी टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे उसके बाद यहां पर हमें फोर पॉइंट टू सिक्स चाहिए तो फोर पॉइंट टू वन हो जाएगा यहाँ पे फोर पॉइंट टू वन फोर पॉइंट टू टू फोर पॉइंट टू थ्री फोर पॉइंट टू फोर फोर पॉइंट टू फाइव और यहाँ पे फोर पॉइंट टू सिक्स मिलेगा और यहाँ पे फोर पॉइंट टू सेवन मिलेगा तो हमें क्या चाहिए फोर पॉइंट टू सिक्स मिल गया अब फोर पॉइंट टू सिक्स टू ये कहाँ पर आएगा फोर पॉइंट टू सिक्स टू इसके बाद आएगा और फोर पॉइंट टू सेवन के पहले आएगा तो फिर अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे फोर पॉइंट टू सिक्स और फोर पॉइंट टू uh, सेवन को फिर से हम टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे फोर पॉइंट टू सिक्स को और फोर पॉइंट टू सेवन को फिर से हम इसकी एक नंबर लाइन बनाएंगे और इसको टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फिर अगला नंबर क्या होगा ये फोर पॉइंट टू सिक्स तक हमारा हो गया है तो नेक्स्ट यहां पर क्या आ जाएगा फोर पॉइंट टू सिक्स के आगे फिर से वन से चालू हो जाएगा फोर पॉइंट टू सिक्स वन फोर पॉइंट टू सिक्स टू फोर पॉइंट टू सिक्स थ्री फोर पॉइंट टू सिक्स फोर फोर पॉइंट हमको कहाँ तक चाहिए फोर पॉइंट टू सिक्स वन फोर पॉइंट टू सिक्स टू यहाँ पर आ जाएगा यहाँ तक फोर पॉइंट टू सिक्स टू और यहाँ पर आ जाएगा फोर पॉइंट टू सिक्स थ्री थर्ड नंबर पे टू सिक्स 261, टू सिक्स वन टू सिक्स टू टू सिक्स थ्री तो हमको फोर पॉइंट टू सिक्स टू यहाँ पर मिला तो अगला नंबर फोर पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स फोर पॉइंट टू सिक्स टू के बाद आएगा और फोर पॉइंट टू सिक्स थ्री के पहले आएगा इन दोनों के बीच में आएगा तो फिर से हम फोर पॉइंट टू सिक्स टू की और फोर पॉइंट टू सिक्स थ्री टू सिक्स टू और उसके आगे टू सिक्स थ्री को फिर से हम इसको टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे इसकी नंबर लाइन बनेगी फिर से इसको हम टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अगला नंबर क्या होगा फोर पॉइंट टू सिक्स टू तक हो गया है तो फिर से फोर पॉइंट टू सिक्स टू वन हो जाएगा फिर फोर पॉइंट टू सिक्स टू हो जाएगा फोर पॉइंट टू सिक्स टू थ्री हो जाएगा फोर फाइव और यहाँ पर यह सिक्स तक आएगा फोर पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स यहाँ पर फिर आगे आ जाएगा फोर पॉइंट टू सिक्स टू सेवन फोर पॉइंट टू सिक्स टू सेवन इस तरह से नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा जैसे हमें फोर डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था तो ये हमने फोर डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया और ये पूरा फोर नंबर लाइन पे सॉल्व हो गया नेक्स्ट टॉपिक है वन पॉइंट फाइव ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर इसे हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे और साथ ही में इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें